अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ कुनैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारे बहुत ही प्यारे फार्मर हैं सुफियान भाई, उन्होंने फ़ोन करके बताया है कि बकरी जोर लगा रही है लेकिन बच्चे बाहर नहीं आ रहे। तो हम मौके पर पहुंचे हैं और बकरी को पलपेट करना शुरू किया है। पलपेट करते हुए बच्चे दाने से इंतहाई नाखुशगवार स्मेल जो है वो बाहर आ रही थी, जिसे हमें ये तो अंदाज़ा हो गया कि बच्चे जो हैं वो अंदर मर चुके हैं या उनकी डेथ हो गई है। और ये जो है स्मेल जो है ये इस नोयत की है कि तकरीबन 2 से 3 दिन पहले ही बच्चे मर गए हैं अंदर, और हो सकता है कि गले सड़े भी हों। तो अभी जो है हम बच्चे की जो लोकेशन देख रहे हैं कि किस तरह की लोकेशन है। बच्चे जो हैं वो उनकी कमर जो है वो हाथ में आ रही है, सर और टांगे जो है ढूंढना मुश्किल हो रहा है। सर चूँकि काफ़ी आगे की तरफ है तो हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। ये मैं आपको इसकी जो है लोकेशन भी बताता हूँ कि बच्चेदानी में बच्चे की क्या पोजीशन है। तो हाथ की मदद से ही हम बच्चे को है जो है वो सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिनों के मरे खड़े हैं तो अंदर काफ़ी ज़्यादा इनकी स्वेलिंग हुई पड़ी है। तो हम रस्सी की मदद से जो है बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हाथ से ज़ोर लगाने से बच्चा बाहर नहीं आ रहा और अंदर लुब्रिकेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आसानी से बच्चा बाहर आ सके। तो हमने बकरी के बच्चे को जो है रस्सा डाला है सर में और उसकी टांगों में, और ये देख रहे हैं कि कितना ज़ोर है, फोर्स लगानी पड़ रही है बच्चे को बाहर निकालने के लिए। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद बच्चा जो है ये आप देख रहे हैं कि बाहर की तरफ आ रहा है, और ये आप देखें माशाल्लाह बच्चा बाहर आ गया है। और माशाल्लाह बच्चे का साइज़ देखें, और काफ़ी सेहतमंद बच्चा है जो अंदर मरा पड़ा था और काफ़ी फोर्स लगाने से ये बाहर आया है। और ये आप दूसरा बेबी की कोशिश कर रहे हैं, ये देखें बच्चा अंदर गला सड़ा पड़ा है, ये देखें उसका मांस या लोथड़े वगैरह जो है वो हाथ के ज़रिए देखें कट रहा है, बच्चा अंदर जो है वो गल सड़ चुका था। ये देखें ये दूसरा बच्चा बाहर आ रहा है, और इस तरह जो है ये देखें ये दूसरा बच्चा बाहर आ चुका है। अल्लाहु अकबर, बहुत ज़्यादा स्मेल है। और ये अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई और बच्चा तो नहीं है, तो बच्चा जो है वो हम पलपेट कर रहे हैं, यदि कोई और बच्चा नहीं है तो ये लग रहा है कि एक तीसरा बच्चा भी है। अब मेरी फोर्स लगाने की वजह से अभी हिम्मत नहीं रही, तो मैं अपने शागिर्द से अभी जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आके इस बच्चे को बाहर निकालें। ये मेरे साथ मोहम्मद ज़रार भाई हैं जो मेरे स्टूडेंट भी हैं, वो काम सीख रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत और गाइड करने से ये देखें आप तीसरा बच्चा जो है वो भी उसका सर बाहर आप निकलते हुए देख रहे हैं। ज़रार भाई बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ये देखें बच्चे का जो सर बाहर आ चुका है, और ज़रार भाई से जो है मैं कह रहा हूँ कि आप जो है इसकी टांगें सीधी करें, और ये देखें टांग सीधी कर रहे हैं, एक टांग आ चुकी है और ये अब दूसरी टांग भी जो है सीधी कर रहे हैं भाईजान। तो जैसे ही ये दोनों टांगें और सर सीधा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आराम से इंशाल्लाह बच्चा बाहर आ जाएगा। ये दोनों टांगें माशाल्लाह सही हो गई हैं, बाहर आ चुकी हैं, और ये अब बच्चा बाहर निकाल रहे हैं हम। ये ज़रार भाई ने माशाल्लाह कामयाबी से बच्चा बाहर निकाल लिया है। ये बच्चे की हालत देखें आप, ये भी, और ये देखें प्लेसेंटा भी है, गली सड़ी पड़ी है और स्मेल भी बहुत जो है नाखुशगवार है, खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। लेकिन चूँकि हमारी प्रैक्टिस ऐसी है तो हम जो है इतनी ज़्यादा स्मेल जो है हम आसानी से जो है वो फेस कर लेते हैं। ये बच्चे निकालने के बाद हम इंट्रायूट्राइन टैबलेट्स रख रहे हैं, बोलस रख रहे हैं, यूटिविट या फिर फिबॉक्सामिन, जो मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, वो आप मार्केट से लेके बच्चेदानी में ज़रूर रखवाया करें ताकि किसी किस्म के टॉक्सीमिया या इन्फेक्शन से बचा जा सके। और इसके बाद जो है गोलियाँ रखने के बाद हम इसको एंटीबायोटिक्स में जेंटा कम्बिसोन और स्टीराइड में पेनाकॉट यानी कि प्रेडनिसोन और डेक्सामेथासोन, और साथ में हम जो इसको पायरेक्सिया से बचाने के लिए कोई अच्छा सा एंटीबायोटिक्स जिसमें लॉक्सिन या कीटोविक जो है वो 2 से 3 दिन इस्तेमाल करवाएंगे,